आपके चैनल के माध्यम से बढ़रिया जनमानस को और सिवान के जनता के, बिहार के, ऑल बिहार की जनता के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करत बानी। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता के बहुत बहुत शुभकामना 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर। जादव विधायक रघुनाथपुर। स्वतंत्रता दिवस पे सिवान नगर परिषद वार्ड संख्या 1 के सभी सम्मानित जनता को शुभकामना और बहुत बधाई देते हैं। पूर्व पार्षद यादव, वर्तमान में पत्नी पार्षद मंजू देवी। नमस्कार प्रणाम, हम हैं राउत भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी के बहुत बड़ा खबर चलिए, हम हैं राउत भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज हमनी के मिले तनी जा सिवान के में नया बैठा तनी डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाकिब सर, वहाँ से स्पेशल बात कही कल जाए कि तमाम जो रोग बा कैसे इलाज होई या कैसे आराम से माने फर्स्ट स्टेज में ओकर इलाज कैसे संभव बा। यहाँ के दिल्ली और पटना के बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट बनी तो बड़ी बहुत बहुत स्वागत है सर, भोजपुरी बात कही मेरा। थैंक यू प्रवीण जी। हमारा श्रोता सुनवैया जे भी लोग बा सिवान जिला के, छपरा सिवान गोपालगंज तीन जिला के आसपास पूर्वांचल के जे लोग बा जे पेशेंट सिवान में आवेला, ओकरा के बताई सबसे पहले सर कि कौना तरह के रोग के रुआ इलाज करेंगे। सिवान आने का मेरा बहुत बड़ा रीज़न भी है क्योंकि मैं खुद सिवान से, बड़हरिया से हूँ, तो मेरा घर यहाँ पर है, मेरी ज़मीन है, मेरी मिट्टी है, तो यहाँ के लोगों को भी मैं कुछ फ़ायदा कर सकूँ ये मेरा कोशिश है। एक के लोग के भी सौभाग्य बस सर कि पानी है मिट्टी में। तो न्यूरो सर्जरी जितने भी सर का दर्द होता है, सर की चोट होती है, रीढ़ की हड्डी का की जो दिक्कतें होती हैं, रीढ़ की हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है, बच्चों के ब्रेन के में जो पानी आ जाता है, ये सारी चीज़ न्यूरो सर्जरी डील करती है। पहले के अच्छे 15-20 साल पहले ये सारे इलाजों का के बारे में लोग जानते नहीं थे, नॉलेज का अभाव था, जिसकी वजह से इलाज भी हो नहीं पाता था। लेकिन आजकल के टाइम में जैसे हर टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक आ गई है, वैसे ही हेल्थ की सुविधाएं गांव-गांव तक आ गई है। जैसे हम पहले नहीं आ पाते थे या कोई और डॉक्टर न्यूरोसर्जन नहीं आ पाता था, अब हम लोग आ पा रहे हैं। तो एटलीस्ट ये है कि हम ये सुविधा गांव के लोगों तक दे पाएंगे ताकि इन प्रॉब्लम से लोगों को निजात जल्दी मिल सके। मतलब जितना सर रोग बतौनी हम, रोग के कोना स्टेज में पेशेंट आवे तो आसानी से इलाज हो जाए। देखिए अब तो लोगों की जो भी कमर की या गर्दन की रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें हो रही हैं, अब तो उम्र ज़्यादा होने की वजह से ये दिक्कतें भी बहुत लेट स्टेज में देर से लोग आ रहे हैं, लेकिन इसका भी अब इलाज बहुत अच्छे से, बहुत सेफली किया जा सकता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, मेडिकल साइंस की भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। अब हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसका इलाज हम लोग कर सकते हैं और फायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अभी जो कमर में दर्द है वो कॉमन बीमारी हो गई था, तो कमर में दर्द अगर मानी केहू के रहता तो कैसे मतलब कौनी आज पहचाना जाए कि क्रिटिकल स्टेज में नीचे पहुँच जाए। देखिए जब तक वो दर्द तक है, जब तक वो सूनापन तक है, तब तक हमारी यही कोशिश रहती है कि दवाइयों से और एक्सरसाइज से इसका इलाज किया जाए। जिस दिन वो कमज़ोरी में तब्दील हो जाए, चाहे वो पैर के अंगूठे में कमज़ोरी आ जाए या पंजे में कमज़ोरी आ जाए या भार अगर किसी एक पैर पर भार नहीं ले सके या लैट्रिन पेशाब में दिक्कत हो जाए, उस दिन का मतलब है कि भाई अब इलाज आगे की तरफ करना ज़रूरी है। इसका मतलब है नसें इतनी ज़्यादा दब गई हैं कि अब वो दवाइयों से ठीक नहीं हो पाएंगी। मतलब अगर सर बताओ तनी कि जब फर्स्ट स्टेज में रही बीमारी, अगर जैसे कमर में दर्द बा या सिर में दर्द बा,
तो अगर फर्स्ट स्टेज में बात तो वो अंगूठा तक पहुँची, अंगूठा सूना हो जाए, जी जी, पैर एगो सूना हो जाए, ओजा तक दवा से इलाज हो सकता है। ओकरा आगे जब बढ़ी पेशाब में प्रॉब्लम हुई या जो ऐसा कोनो ज्यादा कमजोरी आ जाए, पैर में कमजोरी आ जाए, तो ओकर तब ऑपरेशन इलाज, ऑपरेशन के इलाज, ऑपरेशन की जरूरत कमर के बीमारियों में सिर्फ 2-5% मरीजों को जरूरत पड़ती है। 95% मरीजों का इलाज दवाइयों और एक्सरसाइज से ही वो लोग ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन की जरूरत बहुत ही कम मरीजों को होती है। मतलब जो एकदम क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गए वो ही के इलाज उसे करेक्ट पड़ी ऑपरेशन से। चलिए सर, एगो बहुत बड़ा बात बतानी है, अहम बात, कि लगभग 95% मरीज के इलाज दवा से हो जाए। अच्छा, जैसे सिवान में भी सर हुआ बैठा था, नहीं पटना में एगो बड़ा नाम बड़ा हो, तो जे सिवान के जो मरीज बा पटना जाए लो तब ऑपरेशन हो कि सिवान ऑपरेशन को सुविधा बा? देखिए, ऑपरेशन सिर्फ इलाज का एक हिस्सा है, ऑपरेशन के बाद की भी बहुत सारी ये ट्रीटमेंट का है, फिजियोथेरेपी वो है जो अभी तक सिवान में हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऑपरेशन करना इलाज नहीं है, वो एक सिर्फ इलाज का एक हिस्सा है। उसके लिए ऑपरेशन हम लोग पटना ही में करेंगे, लेकिन ऑपरेशन के बाद, छुट्टी के बाद जब मरीज़ वापस सिवान आ जाएगा तो सिवान पे ही मेरे ओपीडी में उनका फॉलोअप हो जाएगा। अच्छा, मतलब सारा चीज़, सारा व्यवस्था पूरा पटना अभी करें। एगो चीज़ अहम बात बा सर, कि बहुत सारा लोग बा जे गरीब बा, तो गरीब लोग खातिर रूरल के क्या व्यवस्था बा? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है आपने। जो हमारे गरीब पेशेंट्स हैं, हम लोग आयुष्मान जो सरकार का हेल्थ स्कीम है, आयुष्मान भारत के स्कीम में यूनिवर्सल हॉस्पिटल इनरोल हो गया है। हम लोग जो मुख्यमंत्री ये राहत कोष है उससे जो पेशेंट को पैसा मिलता है उसमें हम लोग शामिल हो गए हैं। हम लोग वेरियस कई सारे एनजीओ हैं जिसे हम लोग अटैच होने की के प्रोसेस में हैं। जब वहाँ से अटैच हो जाएंगे तो फ्यूचर में हम लोग फ्री में भी पेशेंट को ऑपरेट करने के स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो ये हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुँचाया जाए कम से कम पैसे में। सर, एक बहुत बड़ा बात कहनी है कि जे गरीब लोग बा ओकर भी इलाज सर करें। आ यहाँ के कहत नहीं कि मेडिवर्सल हॉस्पिटल जो बा पटना में, ये वहाँ के सर वही जो डॉक्टर बनी, आ आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम बा, कार्यक्रम बा, उसे सर के हॉस्पिटल जुड़ल बा, आ तमाम तरह के लाभ गरीब जनमानस के मिल सकेगा। तो बेहिचक सर के सिवान में सर कब कब हुआ बैठक है? सिवान में मैं हर दूसरे और चौथे बृहस्पतिवार को, मेरी ओपीडी है हर दूसरा और चौथा बृहस्पतिवार। जैसे कि भोजपुरी बदकही हर न्यूज में रुआ के देखा रहा बा, हम कोशिश करते नहीं कि इतना बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट सर जन बानी दिल्ली और पटना में बैठत रहनी है, वहाँ के सिवान में बैठत नहीं, ओकर लाभ सिवान जिला समेत छपरा, गोपालगंज आ बगल के देवरिया, गोरखपुर के भी लोग आवे आ सर से लाभ लेवे। तो हमनी के शुभकामना बा कि सर यहाँ रही, सुरक्षित रही, हमनी के क्षेत्र के पेशेंट के इलाज करी, बहुत बड़ा चीज। तो अपन सर परिचय देनी, सारा लोग के श्रोता सुनैया के बताई कि राहुल कितना तक शिक्षा दीक्षा बा कि लोग के विश्वास हो सके। मैंने अपने MBBS की पढ़ाई कैलकाटा से की, उसके बाद मैं PGI चंडीगढ़ गया जहाँ से मैंने MS जनरल सर्जरी में किया। फिर ऑल इंडिया टॉप करने के बाद मैं एम्स नई दिल्ली में न्यूरो सर्जरी किया, वहाँ पर मैं 4 साल था। उसके बाद मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना PGI रोहतक का, फिर एम्स पटना में भी मैं एसोसिएट प्रोफेसर रहा, और अभी वहाँ से ख़त्म करके मैं अब प्राइवेट मेडिवर्सल हॉस्पिटल में HOD और हेड हूँ न्यूरो सर्जरी विभाग का। तो चलिए, आज हमने के मिलनी है जा दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के बड़ा डॉक्टर, पटना के एम्स हॉस्पिटल के बड़ा हेड ऑफ डिपार्टमेंट के डॉक्टर साकिब सर से। तो फिर कल ऐसा नामचीन हस्ती के रुआ के लेके रुआ सामने आए, तब तक शेयर करी, सब्सक्राइब करी भोजपुरी बद कही अपना भाषा के चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष कुमार गुप्ता,
पत्नी मुखिया सविता देवी के तरफ से, ग्राम पंचायत राजभुजवा के सभी जनता जनार्दन को एवं सभी प्रखंड वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एवं मुहर्रम के अवसर पर सभी भाइयों बहनों और सभी जनता को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। प्रायोजक हैं प्रियंका ज्वेलर्स नई बाजार मैरवा। डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और चौथे जुमेरात। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान।